हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। इन द फिगर द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट एस। मीन्स क्यू आर साइड में एक एस बना रहा है, ओके। बाय द बायसेक्टर ऑफ पी क्यू आर का एक बायसेक्टर है एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। मीन्स पी आर एस उसमें से कोई एक लाइन निकाल रहे हैं और वो पॉइंट टी पे मीट होता है, मीन्स मिलता है। देन प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। मीन्स क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि क्यू टी आर क्या है, क्यू पी आर का आधा है, ओके। ये छोटा है और ये बड़ा है, ऐसा हमको प्रूव करना है। भले डायग्राम में जैसा भी दिख रहा हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे डायग्राम कोई स्केल से नहीं बनाया होता, इसलिए यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। मीन्स ये बड़ा है और ये आधा है, इसको ऐसा हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, लेट अस वी सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल हम यूज करने वाले पे उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्राइंगल के अंदर उसका एक्सटीरियर का एंगल का टोटल किसके जितना होता है, इसका और इसके जितना होता है, बरोबर। ये वाला जो रूल है हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। मीन्स ये इसका एंड इसका टोटल इसके जितना होता है, बरोबर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। अब पी क्यू आर के अंदर क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, पी पी क्यू आर इसके एक्सटीरियर एंगल का, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, ओके। अब ये जो है ये किसके जितना होगा, तो इसका पी के जितना और क्यू के जितना होना चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू मीन्स पी क्यू सॉरी पी क्यू एस आएगा पी क्यू एस पी कहाँ से कहाँ जा रहा है पी आर एस अरे यार गलती हुई एंगल पी आर एस इज इक्वल टू पी आर एस इज इक्वल टू क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर, ओके। तो मीन्स हमने किया क्या यहाँ पे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ओके। तो यहाँ पे हमको मिल गया। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना है कि मेंशन करना है कि ये कैसे आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, शायद पीछे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह ब्रैकेट में लिखना है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो ये आपको कहां से मिला हमको मालूम पड़ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से। तो हम क्या करेंगे, एंगल पी आर एस अपॉन 2 एंगल क्यू पी आर अपॉन 2 प्लस एंगल पी क्यू आर अपॉन 2, ओके। यहां पे हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहां पे कि पी आर एस डिवाइड बाय 2 मीन्स पी आर एस डिवाइड बाई 2, इसका मीनिंग क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो पी आर एस है ना, उसको एक बायसेक्टर है, क्या है, आर टी, ये हमारा एक बायसेक्टर है, बरोबर। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ये इफ द बायसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस, मीन्स इसका बायसेक्टर ये और इसका बायसेक्टर ये है, तो मीन्स ये एंगल का बायसेक्टर ये वाला है। तो बायसेक्टर किसको बोलते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों एंगल इक्वल होते हैं, उसको हम इस बायसेक्टर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे होगा कि हम पी आर एस की बात कर रहे हैं, पी आर एस ये फुल है, मीन्स पूरा है। अब उसका आधा कितना हो जाएगा, तो मीन्स दिस थिंग और दिस थिंग, ये आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
पी आर एस बरोबर, ये फुल था, मैंने उसको डिवाइड किया, पी आर एस को डिवाइड किया। डिवाइड किया मीन्स क्या, ये पोर्शन या ये पोर्शन, दोनों में से कोई एक लिख सकता हूँ मैं। तो मैं कौन सा पोर्शन लिख रहा हूँ, टी आर एस। तो मैं इसकी जगह पे एंगल टी आर एस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये फुल एंगल को मैंने टू से डिवाइड किया हुआ है, टू से डिवाइड किया, इसी जगह मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे हम, क्यू पी आर अपॉन टू प्लस पी क्यू आर मीन्स पी क्यू आर मीन्स ये वाला एंगल, अगेन हाफ ऑफ फुल एंगल, तो मीन्स हाफ एंगल ये होगा, हाफ एंगल ये होगा, ओके। तो हाफ एंगल में मैं कौन सा लिखूंगा, टी क्यू आर लिखूंगा, मैं एंगल टी क्यू आर लिखूंगा, ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या हमने कि पहले हमने ट्राइंगल पी क्यू आर लिया, इसका एक्सटीरियर एंगल लिया, उसके बाद इसका टोटल ये दोनों के जितना होता है लिया, फिर मैंने टू से डिवाइड कर दिया बरोबर, डिवाइडेड बाय टू, तो ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टू बरोबर, ऐसे लिखना हो तो लिखना, नहीं तो चलेगा, नहीं तो डिवाइडेड बाय टू, मैंने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने से क्या, देखो सर ये कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, पर कब कर सकते हो, जब दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड डिवाइड करेंगे तभी ही ये हो सकता है, ओके। तो मैंने दोनों साइड डिवाइड किया इसलिए हम कर सकते हैं। फिर क्या क्या, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ये बायसेक्टर है, तो ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, तो मैंने दिस थिंग इज इक्वल टू ये लिख दिया एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ये लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे बन गया। नाउ अब इन ट्राइंगल क्यू टी आर की बात कर रहे हैं, नाउ इन ट्राइंगल क्यू टी आर, अब देखो ये जो ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, ये जो ट्राइंगल है बरोबर, उसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ओके। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्यों, ये एक्सटीरियर एंगल है, उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं उसका टोटल इसके जितना होता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो एंगल टी आर एस, टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, प्लस एंगल टी क्यू आर, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टी आर एस की वैल्यू हमको ये मिली हुई है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, टी आर एस की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर अपॉन टू प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे जो ये और ये दोनों सेम है देखो, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे जो मिली है इसको मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, तो देखो मैंने क्या किया, ये टी क्यू आर था उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, अब ये जैसा है वैसा मैं लिख दूंगा, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, देखो टी क्यू आर दोनों सेम है, ये कट हो गया, तो क्या मिला, एंगल क्यू पी आर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, तो जो हमको प्रूव करना था मिल गया, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, एंड हाफ ऑफ हाफ मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक काम करें इसको चेंज कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू टी आर इज इक्वल टू ऐसा लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होता है क्यू पी आर, तो हमको जो प्रूव करना था वो यहाँ पे हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये चैनल अगर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती है तो आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि अपने जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप इसका लिंक शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।